हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम सूजी की कतलियाँ बनाना देखेंगे, या सूजी की बर्फी से भी इसे कहते शब रात स्पेशल। इसके लिए मैंने एक कप सूजी ले ली है, इसी से ही मैं शक्कर पानी नापूंगी। एक टेबलस्पून देसी घी डाला पैन में, इसको थोड़ा सा गर्म होने दिया। 3 से 4 इलायची का पाउडर पिसा हुआ डाला है, पाउडर ना हो तो क्रश करके भी डाल दें। इलायचियों को सौते होने दें, थोड़ा क्रैकल होने दें। फिर इसमें हम वही एक कप सूजी डाल देंगे, सूजी को लाइट पिंक कलर होने तक भूनेंगे। इसमें एक मुट्ठी भर के किशमिश डाल देंगे, किशमिश का इसमें टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। चाशनी बनाने के लिए 1 कप शक्कर लिए, 1/4 कप पानी लिया, पैन में डाला, 2 चुटकी जर्दे का कलर डाला, 15 मिनट लो हीट पर इसको पकाया। चाशनी तैयार है। इसी चाशनी को अब हम भुनी हुई सूजी में डाल देंगे। और सूजी को अच्छी तरह से मिलाएंगे चाशनी के साथ। और सूजी को पकने देंगे, इसी में सूजी गल भी जाएगी। पकते पकते इसका पानी सूख गया ऑलमोस्ट, जब ये पूरा बॉटम छोड़ दे हमने चाशनी 2 बार में डाली थोड़ी थोड़ी करके, ये पूरी तरह पक गया कि बॉटम को छोड़ दिया। इधर हमने एक प्लेट लेकर उस पर घी लगाकर उसे ग्रीस कर लिया, इसी पे हम कतलियाँ फैलाएंगे। अब वही मिक्सचर जो हमने सूजी का तवे पे बनाया था, उसको हमने इस प्लेट पे सब तरफ अच्छी तरह से फैला दिया। एक सा फैला दें चम्मच से, और बहुत मोटा भी ना फैले, बहुत पतला भी नहीं। बस हमें सूजी की कतलियाँ जैसे शेप की होती हैं वैसा ही फैलाना है। पूरी प्लेट पे इवेनली फैला दें, चम्मच से इसको चिकना भी कर लें। इस पे अपनी पसंद के सारे ड्राई फ्रूट डालें। सजाने के लिए आप नारियल, काजू, बादाम कुछ भी ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो। मैंने इस पे नारियल काजू डाले हैं। इसको ठंडा होने दें। फिर इसको छुरी से काट लें, 2 घंटे साइड में रख दें ठंडे होने के बाद, ताकि कतली बिल्कुल सेट हो जाए। इसको अपने मनपसंद शेप में जैसा चाहे डाल काट लें, स्क्वायर शेप में, डायगोनल शेप में, डायमंड शेप में। हमारी सूजी की कतलियाँ रेडी हैं। इसको निकाल कर स्टोर कर लें
ये एक महीने तक खाई जा सकती हैं।